नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, जैसे कल हमने एक वीडियो बनाया था आरओ एआरओ पे लेकर के, हमने कहा था उसमें कि 4 फरवरी 2024 को इसका पेपर हो सकता है। आज नोटिफिकेशन आ चुका है, कल से आप फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं और 4 फरवरी को इसका एग्जाम डेट रखा गया है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग दो चार पॉइंट समझेंगे। इसमें ये समझेंगे कि जो पहली बार पेपर देने जा रहा है, यानी जो पहली बार आरओ एआरओ का पेपर देने जा रहा है, इसके बारे में समझेंगे कि उसकी जो पढ़ाई का लेवल स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। बाकी जो प्रॉपर आरओ एआरओ की तैयारी कर रहा है लड़का, उसके लिए भी हम लोग ये चर्चा करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश सिविल सेवा की जो तैयारी, यानी जो एसडीएम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ मेरे भाई, हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आपके पेपर में, यानी आरओ एआरओ में कितने क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे और जीएस के कितने क्वेश्चन आएंगे, और इसके लिए कौन कौन से बुक आपको पढ़नी होगी, ये पूरी कंप्लीट आपको चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात हम और कंफर्म कर देते हैं कि जो कल हमने वीडियो बनाया था उसमें अभी एक मतलब स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर मेरे पास कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो सर्टिफिकेट कंप्यूटर का है वो एआरओ में है। ठीक है, आरओ में नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, आरओ एआरओ की नौकरी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि जो पीसीएस के स्टूडेंट है उनको लिए क्या करना है। अब देखिए, जो पीसीएस का स्टूडेंट है उनके लिए तो कोई इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि जो आरओ एआरओ है उससे जस्ट ऊपर आपका आ जाता है पीसीएस का। तो भाई, आरओ एआरओ में पीसीएस है, प्री और मेंस है, और पीसीएस में भी है। तो जस्ट जो प्रीवियस है, जो आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतर जबरदस्त तरीके से अगर तैयारी है तो बड़े ही आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी आपको ये ध्यान बिल्कुल नहीं देना है पीसीएस वाले, एक बार आप ध्यान सुनिए कि आपको ये नहीं ध्यान देना है कि आरओ की अब पेपर होने वाला है तो आरओ को हम लोग कुछ देख लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ फोकस करना है पीसीएस पे, इसलिए फोकस करना है कि जब आपका पेपर होने वाला होगा ये आरओ एआरओ का, अब उतने टाइम आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन पीसीएस 2024 का, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आरओ की तैयारी करें कि पीसीएस की तैयारी करें। तो पीसीएस स्टूडेंट ध्यान रखें, आरओ पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको पीसीएस की तैयारी, जैसा आपका सिलेबस चल रहा है, जैसे आप क्लास कर रहे हैं, जैसा आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल रेगुलर पढ़ते रहें, बड़े ही आसान आपके लिए वो हो जाएगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा पीसीएस वाले के लिए, यानी कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। अब समस्या है कि जो आरओ एआरओ की तैयारी करते हैं उनके लिए, तो देखिए, आरओ एआरओ की तैयारी अगर वो पूरी तरह से उनका सिलेबस अगर पूरा हो चुका है, तो अभी जो मंथ आपके जो आपके टाइम बचे हैं, यानी आज से हम देखेंगे तो लगभग 115 या 20 दिन का टाइम है, मिनिमम आपको 4 महीने का टाइम है। तो अब ऐसा नहीं देखना कि 4 महीने का टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। आरओ की जो जो सिलेबस वो भी बहुत लंबा चौड़ा है, तो आपको प्रीवियस ईयर सेट जो है, यानी घटना चक्र ले लेंगे तो बहुत ही बेहतर है। घटना चक्र आप बहुत अच्छे से रिपीट उसको करें और करेंट अफेयर साथ लेकर के चलें। यानी 2024 में पेपर होने वाला है, जनवरी 2023 से आप करेंट अफेयर पूरी डिटेल में आप पढ़ें। ठीक है, और उसके पहले भी पढ़ सकते हैं, यानी नवंबर दिसंबर 2023 का भी करंट अफेयर आपको पढ़ेंगे, क्योंकि फरवरी पेपर होने वाला है ना, लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर आपसे उठा देता है, तो आपको ये ध्यान देना है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो अभी नया लड़का आरओ एआरओ का पेपर देने जा रहा है, पहली बार पेपर देने जा रहा है, उसके लिए ये समस्या है कि अब यह कैसे इतनी जल्दी में तैयारी करें। उसके लिए समझने वाली ये पॉइंट है कि पहली बार अगर आरओ एआरओ पेपर में बैठ रहे हैं, अब चाह रहे हैं कि जल्दी समय में अगर ज्यादा तैयारी कर सकें, तो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप घटना चक्र की बेहतर तरीके से तैयारी करें। ठीक है, घटना चक्र पूरी अच्छे से रिपीट करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा। अब उसके लिए थोड़ा घटना चक्र दिखा देते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि घटना चक्र को यार कैसे पढ़े कैसे ना पढ़े, दिक्कत हो जाता है। अब देखिए, जैसे हमारे पास है समान अध्ययन का, अब एक घटना चक्र आप लाएंगे, इसमें किसका पेपर दिया रहेगा, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, यानी जितने इंडिया के स्टेट्स हैं पीसीएस के क्वेश्चन पूछे गए वो रखा है, और जितने स्टेट्स के आरओ एआरओ की जो क्वेश्चन है वो भी इसमें रखे गए हैं। अब इसमें इतना बेहतर हो जाता है, क्वेश्चन जो पूछने का, इसका जो बनाने का तरीका है जबरदस्त है। पहले बस टॉपिक वाइज दिया इसमें, अब कोई भी पेपर आप खोल के हम दिखा देते हैं। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं एक हमने खोल दिया, अब यहाँ पे पूछा है कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है,
अब चार ऑप्शन दिया है और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पे पूछा हुआ है, यानी ये टीसीएस में पूछा हुआ है 2005, 2011, 1990 में, यानी यही क्वेश्चन रिपीट किया है तीन बार, ठीक है। और एआरओ में पूछता है क्वेश्चन, तो आपको क्या है कि इसका जो आंसर रहता है वो दिया रहता है, उसके साथ साथ विवरण पूरा बेहतर तरीके से दिया रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्ब में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, इसकी खोज टार्बन बर्गन ने 1781 में की थी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका गलनांक 3482 सेल्सियस पे होता है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो घटना चक्र बहुत बेहतर हो जाता है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये बेहतर है, टॉपिक वाइज है, ये क्वेश्चन का लगभग 3-4 क्वेश्चन वो बना देता है, तो आपको पूरी तरह से जबरदस्त तरीके से आपको घटना चक्र पढ़ लेना है। और ये आपको अगर देखेंगे, मान लेते हैं अगर यही सामान्य विज्ञान का देखेंगे तो कितना आपको मिल जाएगा, 330 इसका प्रिंट है, लेकिन आपको अगर लखनऊ में है तो आपको अगर देखेंगे तो डिस्काउंट करके लगभग ये आपको 240-250 का आपको बुक मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट की आपको बुक खरीद लेनी है। तो सामान्य विज्ञान का है तो विज्ञान के जितने पोर्शन दिए रहेंगे सब आ जाएगा। भूगोल का खरीदना है आपको, उसके बाद से अर्थव्यवस्था का खरीदनी है, इतिहास का खरीदना है, और करंट अफेयर आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये अब आ जाता है आपका क्या कहते हैं हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए कुछ बुक है आपके पास। देखिए हिंदी के लिए भी आरओ एआरओ का एक प्रॉपर बुक आता है, एक स्पेशल बुक आता है, किसी भी शॉप पे आप जाएंगे तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का उसका एक प्रॉपर बुक आता है, ठीक है। उसमें सिर्फ आरओ एआरओ का प्रीवियस ईयर सेट दिया है और लगभग वो भी मोटा है, ठीक ठाक है, लेकिन अगर पूरी बेहतर तरीके से आप पढ़ लेंगे तो प्री तो बड़े ही आसानी से निकल जाएगा। अब लेकिन समस्या क्या है कि मेंस के लिए, तो मेंस के लिए आपको कुछ बुक है, जबरदस्त बुक है। इसे देखिए, आपने ये बुक सुना होगा जो हिंदी का डॉक्टर हरदेव बाहरी, लगभग जो भी पीसीएस आरओ की तैयारी करते हैं सारे बुक, मतलब हर स्टूडेंट के पास ये बुक रहता है क्योंकि बहुत जबरदस्त बुक है, ठीक है। इस बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो जो भी आपको लेटर आएगा, निबंध आएगा, तो भी बड़े ही आसानी से आपको इसमें दिया हुआ है निबंध उबंध करने के लिए, तो बेहतर तरीके से आपको निकल जाएगा। बाकी जो पीसीएस के स्टूडेंट हैं वो तो पढ़ ही रहे होंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसको आप नहीं ले सकते हैं, ये ज़्यादा थोड़ा मोटा है, तो इससे हल्का पतला ले सकते हैं आपको, आप ये भी बहुत जबरदस्त बुक है, हिंदी आधुनिक हिंदी व्याकरण, ठीक है। इसके कौन है, वासुदेव नंदन प्रसाद, ये भी बहुत ही बेस्ट पुस्तक है, ये थोड़ा पतला है, इसको भी पढ़ लेंगे तो बड़े ही आसानी से आपका निकल जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि आरओ एआरओ में क्वेश्चन कितना कितना पूछेगा, तो इसमें दो ही सब्जेक्ट से पूछेंगे, हिंदी पूछेगा और आपका जनरल नॉलेज यानी जो समान अध्ययन है वो पूछेगा, ठीक है, जीएस पूछेगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 140 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जीएस का और 60 क्वेश्चन आपका आएगा हिंदी का, ठीक है। दो ही सब्जेक्ट आएंगे, मैथ इंग्लिश हटा दिया है, तो उत्तर प्रदेश के जितने स्टूडेंट हैं बहुत ही बेहतर मौका है आपको तैयारी करने का। हमने फिर एक बार आपको बता देते हैं कि लगभग 115 दिन मानिए, अभी तो आप फॉर्म 2-4 दिन भरेंगे लग जाएगा, 125 रुपया फॉर्म में, ज़्यादा है भी नहीं, यानी आपके पास 110 से 115 दिन का मौका है, जबरदस्त तरीके से घटना चक्र पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और हर मंथ का आपको, अभी 4 मंथ का आएगा, 4 मंथ बाकी है, तो हर मंथ का आपको लेना है क्या, करंट अफेयर, बाकी पिछला 1 साल का आपको लेना नहीं है, करंट अफेयर। करंट अफेयर लेना है कौन सा है आपको, चाहे क्रॉनिकल का लेना है, विजन आईएएस का लेना है, या तो दृष्टि आईएएस का ले लेंगे, यानी जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन उठाए हैं उन्हीं का ले लेंगे, तो बड़े ही आसानी से आपको बेहतर तरीके से, यानी करंट अफेयर आपको लगभग कम से कम दो बार आपको पढ़ने होंगे। एक बार पढ़ेंगे आप सोच रहे हैं कि एक बार पढ़ने काम कर जाएगा, ऐसा नहीं, कम से कम आपको 2 बार पढ़ने होंगे ताकि बेहतर तरीके से वहां पे आंसर हो पाए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्म आ जाएगा कल से, इसका फॉर्म भरा जाएगा, जितना जल्दी हो सकेगा आप फॉर्म भर देंगे, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते सर्वर भी चलने लगता है, और फॉर्म भरने के बाद पूरी तरह से आपको फाड़ करके इसमें लग जाना है, एकदम पूरा दिमाग आपका पूरी फोकस हो जाना चाहिए इसकी तैयारी करने के लिए, ठीक है। बाकी 4 फरवरी का इसका एग्जाम डेट रखा गया है, हो सकता है हट भी सकता है, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जान ही रहे कि ये हटता रहता है, तो हट भी सकता है, ठीक है। तो अगर हटेगा भी तो 15-20 दिन डिले जा सकता है, लेकिन आपको अपने पढ़ाई में कमी नहीं रखनी है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। पीसीएस वाले ध्यान देंगे, पीसीएस वाले आरओ एआरओ पूरी तरह से ध्यान नहीं देंगे, वो अपना पीसीएस जो चल रहा है उनका सिलेबस वो पूरी तरह से अपना पढ़ते रहें, क्योंकि वही आपका पूछेगा एआरओ एआरओ में, नहीं तो एआरओ में आपका सिलेबस में ध्यान देंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि उसी टाइम पे आपका 2024 का पीसीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है।
ये बात आपको पूरी पता चल गया होगा, यानी जो पहली बार पेपर देने जा रहा है लड़का उसको भी घटना चक्र अच्छे से पढ़ना है, जो आरओ एआरओ है उसको उसका सिलेबस पूरा हो ही गया होगा, सिलेबस देखे और घटना चक्र पढ़े, और जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनका अच्छे लेवल का तैयारी होता ही है, ठीक है। अब ये तीनों स्टूडेंट जो है वो आप करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान आपको देने होंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन हिंदी का पूछेगा, 140 क्वेश्चन आपको जीएस से आएंगे, ठीक है, 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया होगा पूरी बात। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और कमेंट भी करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, उसके लिए